शहर के बोडो स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिस पर काफी मशक्कत के बाद करीब 8:30 बजे सुबह आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। बताया गया है कि आग तेजी से गोदाम में फैलती गई और धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये गोदाम आबादी से थोड़ा हटकर है, इस वजह से आसपास किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि बाबा झूमराज इंटरप्राइजेज नामक गोदाम में आग लगी है, जिसमें प्लाईवुड और ग्लास विंडो की सामग्रियां रखी हुई थी। जानकारी के मुताबिक ये गोदाम रविसाव का है। बताया गया कि आग की लपटे देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद गोदाम के मालिक को सूचना हुई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों को मंगाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। कई घंटों के बाद आग को बुझाया जा सका। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। गिरिडीह से डिंपल की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? क्या घटना घटी थी आपको? क्या घटना घटी थी आपने? परेशान होकर घर से सीढ़ी से कूद के यहाँ पर आए, और जब यहाँ आए तो फायर ब्रिगेड को फोन करते तो मेरा फोन नंबर से लग नहीं रहा है, तो वही स्टाफ लगा है, इसका नंबर से लगा और आदमी लोग को फोन किया। हालांकि कोई ठंड के समय में कोई सुना नहीं। देखते देखते एकदम आपका ये फायर ब्रिगेड आते आते आग को बहुत पकड़ चुका है। हम लोग सिर्फ देखते रह गए, बाकी कुछ कर नहीं पाए। इतना भयंकर आग। कितने बजे आग लगी? 4 बज के कार यहाँ पे गिरा, चला हुआ है। कितने बजे आग लगी थी? अब तो ये नहीं बता सकते कितने बजे लगी थी। मेरे पास फोन लगभग फोने क्या कैसा फोने यहाँ आदमी जीते तो हमें कंफर्म नहीं बता सकते। 11-12 बजे के लगभग में गारंटी हरासमेंट हो गया, हम कहाँ बता पाते। अभी तक कितने बार दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी है? 14-15 गाड़ियों को भैया फोन किया, किसी ने मेरा आग दिया था, लेकिन कोई काम करने को दमकल वाला सिर्फ ट्रॉली को ठंडा करने का काम कर रहा है। कितने का नुकसान हुआ है? यहाँ का प्रशासन के पास अगर गाड़ी जाता तो शायद मेरा गोदाम बंद हो जाता। कितने का नुकसान हुआ है?